हाय एवरीवन, वेलकम टू जी केमिस्ट्री। तो आज वाली क्लास में टॉपिक्स ऑन डिमांड पार्ट 4 आज हम डिस्कस करने वाले हैं कपलिंग। कपलिंग रिएक्शंस वैसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कपलिंग। ये वाला जो हमारे पास है कपलिंग, इसमें हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, हर बार तो नहीं कह सकते बट ना बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन देखने को मिलता है CSIR नेट में भी और गेट में भी। कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस भी करने वाले हैं। उससे पहले लास्ट वाली क्लास का आपको होमवर्क, जो लास्ट वाले टॉपिक्स ऑन डिमांड पार्ट 3 में हमने देखा था काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन, उसमें आपको ये होमवर्क था। जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी और आपसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने डिस्कस किया था काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन, डेरिवेशन कॉन्सेप्ट सब देख लिया था। ये वाला क्वेश्चन था, जिसने सॉल्व किया है वेरी गुड, जिसने नहीं किया है अब अभी समझ लेना, इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब ये कैसे आया वो देखते हैं। क्वेश्चन रीड कर लो और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कौन से हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेट करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आफ्टर 100 सेकेंड्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन ATM आफ्टर 100 सेकेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो बी की बात हो रही है, मतलब हम ये बोल सकते हैं हमें चाहिए कंसेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, क्योंकि गैस है बी, इसलिए इसको हम यह लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ बी एट टाइम टी, ये लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि बी की बात हो रही है इसलिए ये वाला रेट कॉन्स्टेंट आएगा K1, सो K1 अपॉन जितने भी हैं इस बार तीनों को लेंगे K1 प्लस K2 प्लस K3, तीनों रेट कांस्टेंट आ गए इनटू A नोट क्या, अपने पास स्टार्टिंग की इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, यानी इसको इस बार हम लिखेंगे P ऑफ A, इसको नोट लगा देते हैं या फिर एक काम कर सकते हैं प्रेशर ऑफ A ऐसे करके नोट लगा दो। इसका मतलब हो गया हम इनिशियल वाले प्रेशर की बात, जो स्टार्टिंग में था रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले जो था वो वाला हम देखेंगे यहाँ पर। और साथ में अपने पास क्या होता है, बाकी तो सेम है, 1 - e^-of K1 प्लस K2 प्लस K3 इनटू T, बस ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दो और आंसर निकाल लो, आराम से निकलेगा। देखो स्टार्ट करते हैं, K1 कितना है, K1 की वैल्यू हमें गिवन है 2 × 10⁻³, और यूनिट क्या है इसकी, यूनिट है पर सेकेंड, यूनिट का ध्यान रखना ठीक है। और बाकी जो सबको ऐड कर दो, 10⁻³ सब में है, उसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा 2 + 3 + 1.93, ये तो हो गया सॉल्व। हमें चाहिए इनिशियल प्रेशर, इफ द इनिशियली प्योर A वॉज टेकन इन अ क्लोज कंटेनर विद P इज इक्वल टू 8 ATM, तो इनिशियल कितना अपने पास है 8 ATM, ये भी है ठीक है। नीचे सबके क्या है, पर सेकेंड यूनिट ही है, यहाँ लगाओ पर सेकेंड, इससे पर सेकेंड कैंसिल। यहाँ देखते हैं 1 - e^-of K1 जो अपने पास नीचे लिखा हुआ है ये लिखना है ऊपर फिर से 2 + 3 + 1.93 × कॉमन कितना निकाला था 10⁻³, यूनिट क्या थी पर सेकेंड, टाइम कितना है हमें निकालना है 100 सेकेंड्स के बाद ना, तो 100 सेकेंड लिखेंगे यहाँ पर, सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल, बस ये वाला हमें पूरा सॉल्व करना है। तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा अपने पास 1.154, किस में आएगा ATM में, इतना क्लियर है। क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल सॉल्व करना है तो चांसेस कम है कि क्वेश्चन नेट में पूछा जाए, अगर नेट में आया ये क्वेश्चन तो फिर आपको e^ जो भी आने वाले हैं सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू आपको गिवन होगी ब्रैकेट में करके क्वेश्चन में दे रखी होगी, उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है गेट में तो आप कैलकुलेटर होता है हमारे पास है ना, गेट में सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़, अगर आपको गेट वाला वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, आपको सिखा दूंगी नेक्स्ट वीडियो बना के ना कि कैसे यूज़ करते हैं वर्चुअल कैलकुलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए तो अभी तो हम यूज़ करें नॉर्मल कैलकुलेटर, आपने अगर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी से स्टार्ट करो गेट का वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करना। प्ले स्टोर में वहाँ पर एक ऐप होती है गेट वर्चुअल कैलकुलेटर, ले देना वहाँ से आपको मिल जाएगा, उसी पर स्टार्ट करो सारी कैलकुलेशन को सॉल्व करना, बिना हैबिट बन जाएगी उससे ठीक है। अगर यूज़ करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मुझे बता देना, और अगर आता है तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, उसी को यूज़ किया करो ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हमें स्टार्ट करना है आज का टॉपिक जो कि है कपलिंग, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मैंने किसी का कमेंट देखा था जब मैंने ये पिक करा है, कमेंट में तो ये था कि मैम कपलिंग रिएक्शन करवा दो, लेकिन कपलिंग रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट वाली कौन सी है कपलिंग, तो हम ये वाले डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको सिखाना स्टार्ट करूँ, उससे पहले ये वाले क्वेश्चंस देख लो, अगर आपको ये आते हैं तो फिर आपको देखने की नीड नहीं है ये वीडियो, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और साथ में मेरे पास ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनको देखेंगे ये, और अपने पास फिर ये क्वेश्चन है गेट 16 में पूछा गया है और ये गेट 19 का, आप देख लो रिसेंट क्वेश्चन है, सारे रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका
होमवर्क रहेगा, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। आपको बताना है प्रोडक्ट विद स्टीरियोकेमिस्ट्री। चलो अभी स्टार्ट करेंगे, है कपलिंग होती क्या है। तो देखो ये ना रिएक्शन डिफिकल्ट तो नहीं है, बस प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कौन से वाले एल्कीन बनने वाली है। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, हम पहचानेंगे कैसे कि जो भी क्वेश्चन में दिख रहा है वहाँ पर वो हमारा है कपलिंग का क्वेश्चन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है देख के ना, ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि ना आई अग्री कुछ स्टूडेंट्स को फोबिया होता है ऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक को देख के तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन हमें तो ऑर्गेनिक ना, हम छोड़ देंगे। तो ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक का नहीं है, देखने में लगेगा ऑर्गेनिक जैसा है, बट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का क्वेश्चन है। अब आराम से कपलिंग रिएक्शन कर सकते हो, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि हम इसको पहचानेंगे कैसे, एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो है कपलिंग का ही है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, मैंने यहाँ पर लिखा है आर और ये x, इस तरह से आपको कुछ मिलने वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर r जो है कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, लेकिन जो कार्बन ना क्या होगी बस sp2 हाइब्रिडाइज होगी, कोई भी एल्काइल ग्रुप कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। फॉर एग्जांपल ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या फिर ये इस तरह से भी हो सकता है। तो ऐसे हो सकता है, मतलब बेसिकली जिस भी कार्बन से हमारा ये x अटैच्ड होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यहाँ पर भी इस तरह से, ठीक है। तो एक तो हमें ये मिलेगा देखने को, x क्या है, x है कोई भी लिविंग ग्रुप, x इज अ गुड लिविंग ग्रुप, कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप लगा होगा। तो पहले हम सीख रहे हैं कि उसको पहचानेंगे कैसे, क्वेश्चन तो फिर हम कर लेंगे, मेन प्रॉब्लम आती पहचाना नहीं आया, मतलब पहचाना ही नहीं आया, वहाँ पर समझ नहीं आया कि है रिएक्शन है कपलिंग पूछी हुई थी। ओके, सो sp2 वाला कार्बन इस तरह से चाहिए होगा, साथ में लगा होगा कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप, इसके साथ में ना कोई भी एल्कीन होगी, कोई भी एल्कीन गिवन होगी। एक और चीज़, अब जो ये अपने पास है कपलिंग है, ये दोनों तरह की हो सकती है, ये इंट्रामोलिकुलर भी हो सकती है और ये इंटरमोलिकुलर भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, इंट्रा भी हो सकती है और इंटर भी हो सकती है। इंटर बहुत कम पूछते हैं, इंट्रा ज़्यादा पूछते हैं। इंट्रा का मतलब हो गया जो ये वाले अपने पास, ये वाला सबस्ट्रेट जो है ये और साथ में ये वाली एल्कीन है, दोनों एक ही सबस्ट्रेट में होंगी, तो आपको पहचानना है कि वो कौन से अपने पास इंट्रा मोलिकुलर है कपलिंग है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। होगा उसमें भी यही एल्कीन होगी, साथ में ऐसे दे रखा होगा, सब कुछ सेम रहेगा, बट वो एक ही मोलिक्यूल के अंदर होंगे, ठीक है। तो कोई भी एल्कीन होगी, अब ये एल्कीन किस तरह की होगी, इस वाली एल्कीन पर कोई कंपल्शन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकती है, एल्कीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो सकती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकती है, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये न्यूट्रल भी हो सकती है, न्यूट्रल का मतलब है इस पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, सिंपल एल्कीन है ये CH2। तो एल्कीन अपने पास चाहे न्यूट्रल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन रिच हो, चाहे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन बात यह है पहले हमें ये चाहिए और साथ में हमें ये चाहिए बस, अगर ये दिख रहा है तो हम ये रिएक्शन करवाएंगे। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब हो गया एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस एम से भी दे सकते हैं और प्लस आई से भी दे सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस डोनेटिंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गई। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, जो माइनस आई से भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर सकते हैं और माइनस एम से भी कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये ढूंढेंगे, तो एल्कीन पे आपको कोई देखने की नीड नहीं है, आप सिंपल देखोगे कैसी भी एल्कीन हो, बस एल्कीन चाहिए, ठीक है। इसके बाद ना जो मेन चीज़ है वो ये है, पैलेडियम कैटलिस्ट दे रखा होगा, पैलेडियम कैटलिस्ट दे रखा होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जनरली लिखा होता है PdPPH3 4, ऐसे ऐसे लिखा होता है। अब ना हम इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज देना स्टार्ट करेंगे। जो पैलेडियम जीरो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, पैलेडियम जीरो क्या है, स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल, पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होता, ठीक है। किस में स्टेबल होता है, पैलेडियम प्लस टू में स्टेबल होता है, ठीक है। ओके, एक और चीज़ है, अगर ये पैलेडियम जीरो में स्टेबल नहीं होता, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो फिर ये क्या कर रहे हैं, तुमने बहुत कॉमनली देखते हैं इसको हम, है ना। तो देखो सबसे पहले तो देखो पैलेडियम 2+ किस में हो सकता है, जनरली लिखा होता है PdOAC2, ये -1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जगह +2, है ना, यहाँ पर इसमें +2 में है, तो पैलेडियम +2 में तो स्टेबल है, PdCl2 हो सकता है, तो +2 में तो स्टेबल होता है लेकिन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होता है। ओके, अब ना ये क्यों स्टेबल है, यहाँ पर ना कंडीशन है कि पैलेडियम जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हो सकता है अगर उसके पास क्या लगे हुए हैं, बल्की ग्रुप लगे हुए। यहाँ पर देखो क्या अपने पास, ये बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, है ना, तो अगर बल्की ग्रुप लगे हुए हैं तो पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन में स्टेबल हो सकता है। एग्जाम्पल यही अपने पास। एक और चीज़, क्योंकि इसके पास लगे हुए चार बल्की ग्रुप PPH3, मतलब फॉस्फोरस के ऊपर तीन फिनाइल रिंग लगी हुई है, फॉस्फोरस पे तीन फिनाइल रिंग लगी हुई है, फिर से फॉस्फोरस, तीन फिनाइल रिंग, ऐसे करके, तो बहुत ज़्यादा बल्की हो गया, बल्की होने की वजह से फर्दर रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा। तो अगर हमारे पास हमें ये भी दे रखे हैं तो क्या करता है, ये चेंज करके जब इसको रिएक्शन करना होगा तो चेंज करके कन्वर्ट होता है PdPPH3 2 में,
मतलब दो लिगेंड को निकाल देगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बल्कि है, इस पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी, इसलिए ये कन्वर्ट करेगा PDPPH3-2 में। इतना क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन में जो मर्जी लिख रखा हो, हमें बात किससे, हमें मतलब किससे, हमें पैलिडियम से मतलब है, इतना ठीक है? ओके, अगर हमें ये चाहिए होगा तो इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। तो आपको जो भी क्वेश्चन दिएगा एग्जाम में, आप तीन चीज़ें ढूंढोगे। सबसे पहले कोई भी sp2 कार्बन के ऊपर कोई भी अच्छा सा लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई हैलोजन हो सकता है, आपने देखा होगा OTF, देखा होगा है ना, OTF, OTS, ये वाले ग्रुप क्या हैं, बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, तो ये मिल सकते हैं हमें। साथ में कैसे भी एल्कीन चाहिए होगी वो चल जाएगी, और पैलिडियम चाहिए बस। इतना अगर हमें कहीं दिख रहा है तो हम ये वाली रिएक्शन करवा देंगे, हैक कपलिंग। क्लियर हुआ? अब देखिए इसका मैकेनिज्म। तो हैक कपलिंग का जो मैकेनिज्म है ना, उसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑर्गेनोमेटैलिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा आइडिया हो। मैंने ऑर्गेनोमेटैलिक केमिस्ट्री काफ़ी सारा कवर करवाया है चैनल पर ही, मैं आपको उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसमें ना हमने दो तीन क्लासेस में डिस्कस करा था, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन सब डिस्कस किया था। वो जाना, वो मतलब ना आपको आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन का स्टेप होता है। अगर आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं आता, फिर आपको नहीं समझ में आएगा मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, इसलिए पहले उसको देख लेना एक बार जाके, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो मैकेनिज्म देखते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन का, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन का, ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो जो हम ये ले रहे हैं, ये वाला ग्रुप नंबर मान लो ये है अपने पास, ठीक है, एल्कीन है, उस पर एक्स लगा हुआ, एक्स का कोई भी लिविंग ग्रुप है, ठीक है। इसमें हमने ऐड करवाया लेट्स से PDPPH3-2, ये हमने ऐड करवाया। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑक्सीडेटिव एडिशन। कैसे होगा? इसके बीच में ये ऐड हो जाएगा, इस तरह से हम कर सकते हैं। इस पे लग गया पैलिडियम, इस पे लग गया ये, इस बीच में इंसर्ट हो गया, इसके पास लगे हुए दो PPH3, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप जो होता है उसमें क्या होता है, मेरे पास सिंपल ऑलिफिन का एडिशन होगा, आप देख सकते हो, एडिशन ऑफ ऑलिफिन। कौन सी ऑलिफिन? जो साथ में दे रखी होगी, जैसे ऊपर लिखा था नॉर्मल, कैसे हो सकती है, इलेक्ट्रॉन रिच हो सकती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकती है, तो एडिशन ऑफ ऑलिफिन, ये है सेकेंड स्टेप। ओके, हम यहाँ तक पहुँचे थे, हमने ये बनाया था अभी, इसको मैं ऐसे दिखाऊंगी अभी, ठीक है, बार बार PPH3 लिख रही हूँ, ऐसे दिखाऊंगी, और मेरे पास एक्स हो गया। तो यहाँ पर ऐड होगी ऑलिफिन, हम ऐसे दिखाते हैं, मान लो सब सिंपल था, ये कर रखा है कंसीडर, ऐसे कुछ है, ये कोई ऑलिफिन है, ठीक है, ये इससे ऐसे ऐड हो जाएगी यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन से, इसके पास चलेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, तो हमें ये मिल गया सिंपल, ऐसे दिखाएंगे इसको, ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे करके इस पर लगे हमें दो ग्रुप। इतना क्लियर है? यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हो, इसमें प्लस का साइन लगा के, ऐसे हमने ऐसे करवा दिया। अब ना नेक्स्ट स्टेप जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नेक्स्ट स्टेप ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है यहाँ पर ना, हमें इसको ऐड करवाना होता है, बेसिकली बात ये है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ से, ठीक है, पैलिडियम जाएगा, इस वाली कार्बन पर जा सकता है और इस वाली कार्बन पर भी जा सकता है। अब कौन सी वाली पर जाएगा वो हमें देखना है। देखो, एक कंडीशन हो सकती है, इसको मैं ब्रेक करवा रही हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं और ये बेसिकली इसमें ऐड हो रहा है, इस डबल बॉन्ड में ऐड हो रहा है ये पैलिडियम और ये वाला कार्बन, इंसर्शन है सिंपली, ठीक है। कैसे करवाएंगे? दो केस हो सकते हैं, एक तो ये केस हो सकता है कि मैं पैलिडियम को इस वाले कार्बन पे लगा दूं, इधर लगा दिया हमने पैलिडियम, इस पे लगे हुए दो PPH3, एक लगा हुआ एक्स, ठीक है, और यहाँ पर हमने लगा दिया ये वाला अपने पास CH CH2, ऐसे करके हमने ये लगा दिया। एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी है, एक कौन सी पॉसिबिलिटी है कि हम इस वाली कार्बन पे लगाएं ये वाला ग्रुप और इस पे लगा दें पैलिडियम, इस पे लगे हमें दो ग्रुप और ये लगा अपने पास एक्स, एक ये वाली पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट स्टेप में दो पॉसिबिलिटी दिखा सकते हैं, इन दोनों में से कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा वो हम डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन इनके ऊपर, ये ग्रुप कैसे लगे हुए हैं, इनके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। इतना हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में होता है बीटा एलिमिनेशन, नेक्स्ट स्टेप में होता है बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। ये वाला स्टेप कौन सा था? ये था हमारे पास माइग्रेटरी इंसर्शन, इसको हम बोल सकते हैं माइग्रेटरी इंसर्शन, माइग्रेटरी इंसर्शन, माइग्रेटरी इंसर्शन भी हमने डिस्कस किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आते हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का मतलब होता है जिस भी कार्बन से मेटल अटैच, उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के पास एक एच होना चाहिए,
ठीक है, बीटा कार्बन के पास एक एच होना चाहिए, यहाँ पर भी ये अल्फा कार्बन, ये नेक्स्ट वाली बीटा कार्बन, बीटा के पास एक एच होना चाहिए, इसको हम बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन। तो कंडीशन इसके ये होती है, मेटल, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल एंड बीटा एच शुड बी ऑफ, मस्ट बी ऑफ, लिखो मस्ट बी ऑफ सिन ज्योमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए, सिन होने चाहिए, तभी हो पाएगा बीटा एलिमिनेशन। क्लियर है इतना? अभी हम कैसे करेंगे इसको, सेम कैसे दिखाएंगे? अभी इसको हम यहाँ पे ना स्टॉप कर रहे हैं, इसको भी यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं। अब ना हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है? तो ना स्टार्ट करते हैं, ये इसका सिंपल मैकेनिज्म हमने देख लिया, अब इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, एग्जांपल्स से हम सीख लेंगे उसको, एग्जांपल्स से अच्छे समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास क्या है, एल्कीन हो गई, ये अपने पास हो गई sp2 कार्बन, जिस पे लगा हुआ कोई भी लिविंग ग्रुप, मेरे पास पैलेडियम आ गया, ये कन्वर्ट करके इसको ले दो pdbph3 2, इतना इसने रिएक्ट करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ही जाके इंसर्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है? हम एक दो एग्जांपल्स में मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, उसको हम डायरेक्टली अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। इसे हमने इंसर्ट करवाने, हमने इसको ऐसे इंसर्ट करवा दिया, ये फिनाइल रिंग है, इसमें लगा दिया पैलेडियम, इस पे लगे हुए दो लिगेंड ऐसे करके लगा दिए मैंने, साथ में लगा हुआ BR, ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। अब क्या होना है, अब इसने यहाँ पे ऐड होना है, कैसे दिखा सकते हैं इसको, देखो इस बार हमें ना स्टीरियो केमिस्ट्री का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी बेसिकली ये प्लेनर है ना, हमने ये मान लिया प्लेनर का मतलब क्या, इस तरह से कुछ है, ऐसे हमने मान लिया रिंग जो है वो इस तरह से है, इसके ऊपर से अटैक करने वाला है ना, तुमने मान लिया ये ऊपर से आया। एक और चीज़ ध्यान रखो, जब इसने अटैक करना है यहाँ पर, जब इसने अटैक करना है तो क्या, माइग्रेटरी इंसर्शन करवा रहे हैं हम सिंपली, एक स्टेप में मिस कर रही हूँ। एक काम हम करवा सकते हैं ऐसे करके, हमने ये बनाया, इसको ऐसे दिखा दिया, इसके बाद हम दिखा रहे हैं नेक्स्ट वीक है माइग्रेटरी इंसर्शन, इसको हम माइग्रेट करवा के किसी भी कार्बन पर लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों कार्बन क्या इस बार इक्विवेलेंट है, जैसे मर्जी लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा। तो पॉइंट ये है, जब भी होगा माइग्रेटरी इंसर्शन, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी सिन चाहिए होती है ट्रांजिशन स्टेट, तो उस वाले केस में जिस भी साइड से हमारे पास मेटल इंसर्ट होगा उसी वाली साइड से कार्बन भी इंसर्ट होगी, तो जो भी लगाओगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वो इसकी भी रहेगी। तो अगर मैं यहाँ लगाऊँ, अपने लगा दिया वेज पे पैलेडियम मेटल, जिस पर लगे हुए दो अपने पास pph3 और एक लगा हुआ BR, तो जो अपने पास फिनाइल रिंग है ये भी वेज पोजीशन पर ही आएगी, वेज से ही आएगी, ऐसे करके इसको दिखा सकते हैं, या तो बेंजीन बना दो यहाँ पर, ऐसे इस तरह से बनेगा। तो जब भी आप करवा रहे हो माइग्रेटरी इंसर्शन तो दोनों ग्रुप सेम साइड से आएंगे, सेम प्लेन से आएंगे। अगर दोनों को वेज दिखा, दोनों को वेज दिखाओ, दोनों को डैश भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं, आंसर सेम ही आने वाला है। यहाँ तक पहुँच गए हम, जो एच होगा यहाँ पर, देखो यहाँ पे तो एच भी तो प्रेजेंट होंगे, है ना? तो जो ये दो एच हमारे पास यहाँ पर हैं, अगर ये वेज पे है तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली डैश पे चले गए, तो भी ये डैश पर है ऐसे, ये ठीक है। तो ये काम तो हो गया, अभी लास्ट स्टेप में क्या करना होता है, हमें लास्ट स्टेप में होना होता है बीटा एलिमिनेशन, लास्ट स्टेप में होगा बीटा एलिमिनेशन। और हमने एक पॉइंट लिखा था, बीटा एलिमिनेशन के लिए मेटल एंड प्रोटॉन शुड, मतलब एच जो है अपने पास बीटा वाला, वो सेम ही होने चाहिए, सेम ज्योमेट्री के होने चाहिए। ओके, यहाँ पर देखो ये किस पे, वेज पे, ये किस पे, डैश पे। तो कहने के लिए तो हम ये बोल सकते हैं, ये अल्फा कार्बन है जिसमें मेटल लगा हुआ है, ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा है तो ये भी बीटा है, हमारे पास दो बीटा कार्बन है, दोनों में से कौन सा निकालना है? जो ये वाला एच है वो डैश पर है, ये क्या है, वेज पे है, तो ये तो नहीं निकाल सकता, ये तो नहीं निकलने वाला किसी भी केस में, ये निकल सकता है क्योंकि यहाँ पर जो एच हमारे पास है एक डैश पे होगा, एक वेज पे होगा, है ना? तो यहाँ से एच नहीं निकाल सकता, वो यहाँ से निकाल सकता है इस वाले को, ये दोनों क्या है, सेम प्लेन में, दोनों वेज पर हैं। तो जब ये निकलेगा यहाँ से क्या होगा, डायरेक्टली बोन बना देंगे हम, ऐसे दिखा देंगे इस ऐसे करके, बेसिकली सिंपल यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इधर आएगा पॉजिटिव, बोन बना देना डायरेक्टली। तो ये बना है अपना फाइनल प्रोडक्ट, ऐसे यहाँ पे फिनाइल लगा दो, pH डैश pH है, तो ये बन गया अपना फाइनल प्रोडक्ट। तो हमें बार बार से मैकेनिज्म करके देखने की नीड नहीं, हम क्या करेंगे, हमें ये पता है जो भी वाला ग्रुप होगा ना इसके बीच में पैलेडियम आने वाला है ना, तो हमें करके देखने की नीड नहीं है, हमें हम डायरेक्टली इंसर्ट करेंगे। पैलेडियम यहाँ पर आएगा, फिर ना एक कार्बन पैलेडियम लगेगा, एक कार्बन पर ये लगेगा, तो हमें डिसाइड करना है दोनों में से कौन से पे कौन सा लगाना है। अभी क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है, हमने इस पे लगा दिया पैलेडियम, सपोज इस पे हमने लगा दिया ये वाला ग्रुप, तो भी सेम आंसर आने वाला है। इतना क्लियर हुआ? कुछ और एग्जांपल ट्राई करते हैं, ठीक है, जिसमें हमें ये समझ में आए कि कार्बन कैसे चेंज हो सकती है जिसमें वो इंसर्ट हो रहा है। तो स्टार्ट करेंगे पहले सबसे ऊपर वाले से,
यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आओ। इस वाले केस में ना पहले तो उसको पहचानना सीखते हैं। ये अपने पास sp2 कार्बन है, इस पर लगा हुआ है लिविंग ग्रुप, एक तो काम हो गया। ये एल्कीन भी sp साइड में ग्रुप लगा हुआ है, एल्कीन चाहिए थी मिल गई हमें, पैलेडियम चाहिए था वो भी मिल गया, यानी हम करवा सकते हैं यहाँ पे हैक कपलिंग, है ना। चलो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता है पैलेडियम यहाँ पे आगे इंसर्ट होगा, तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं काम करती हूँ, मैं सिर्फ पैलेडियम लगाती हूँ यहाँ पर, बाकी दो OAC तो लगे होंगे, एक BR भी लगा होगा, उसको हम हटा देते थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, एल्कीन अपने पास है, इस पर हमें इंसर्ट करना है, एक पैलेडियम इंसर्ट करना है इस जगह पे, और एक पे हमें करना है ये वाला इंसर्ट, ये वाली कार्बन, मतलब ये वाली पूरी रिंग। तो कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ पे कौन सा इंसर्ट होगा, ये चीज़ ध्यान रखो। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री की ना, तो कार्बन और कोई जो मेटल अपने पास है उसमें से कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। जो कार्बन एटम अपने पास है वो जितने भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, उन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो इसको हम ऐसे ब्रेक करवा सकते हैं, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सारे मेटल के कंपैरिजन में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी वजह से इसको डेल्टा पॉजिटिव मान के चलो, इसको डेल्टा नेगेटिव मान के चलो। आपको बॉन्ड ब्रेक करवाना है, ठीक है। अब ना इस बॉन्ड को ब्रेक कराओ एल्कीन वाले को, क्योंकि हमारे पास ये किस तरह का ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है ये, है ना। इसको मैं ऐसे ब्रेक करवा सकती हूँ, इसका माइनस एम लगा सकते हैं, इसका हम माइनस आई भी दिखा सकते हैं, इसकी वजह से ऐसे नेगेटिव ब्रेक करना सही रहेगा, समझ लो, क्योंकि वो डिलोकलाइज हो ना फर्दर, यहाँ पे एन पे नेगेटिव आएगा तो स्टेबलाइज हो जाएगा। इसको मैंने ऐसे ब्रेक करवाया, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव आया है तो क्या है अपने पास पार्शियल पॉजिटिव, जो मेटल अपने पास जो पैलेडियम है वो यहाँ पर जाएगा। बेसिकली आपको क्या करना है, जो एल्कीन आपके पास गिवन है ना, उसका बॉन्ड ब्रेक करके देखो, ब्रेक करके देखो, स्टेबल होना चाहिए। जिस भी तरफ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव को दे दो ये मेटल और दूसरे वाले को दे दो दूसरे वाला ग्रुप, क्लियर हुआ इतना। हमने ये बोर्ड यहाँ पे ब्रेक करवाया, ब्रेक करवाने के बाद हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको, हमने हटा दिया ऐसे बोर्ड, ठीक है। अब हम मान रहे कि जो अपने पास पैलेडियम यहाँ पे आया होगा, नेगेटिव आया ना इसलिए यहाँ पर पैलेडियम आ गया, और ऐसे ही वैच पे क्या आया होगा, ये वाला पूरा ग्रुप, ऐसे दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये वाली कार्बन जो है वो यहाँ पर आके लग गई, इतना ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अभी देखो यहाँ पर दो एच पहले से थे, यहाँ पे एक एच था, तो एक एच को मैसेज दिखा सकते हैं डैश पे, एक एच डैश पे होगा, एक प्लेन में होगा, इस तरह से दिखा सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, इतना तो हमने कर लिया, हमें चाहिए बीटा एच नेक्स्ट स्टेप में। ये अल्फा कार्बन है, इसमें मेटल लगा हुआ है, ये बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, इतना ठीक है, ओके। बीटा कार्बन का एच निकालना, इसके पास तो एच है ही नहीं, तो भूल जाओ इसको, यहीं से निकालना पड़ेगा। एक चीज़ है, क्योंकि ये अबव द प्लेन है तो हमें ये भी अबव द प्लेन चाहिए होगा। अब क्वेश्चन ये है, दोनों में से कोई भी चलेगा ना, किसी को भी घुमा के यहाँ पे ले जाओ वेज पे। अब हमारे पास इस वाली कार्बन पे कैसा है, इस तरह से कुछ है, ये एच है, बैक साइड में भी एच है, और फ्रंट में क्या है, ये वाला ग्रुप, मान लो इसको हमने आर मान लिया, पूरी रिंग को हमने आर कंसीडर कर लिया, इस तरह से है ये, है ना। हमें चाहिए इस तरफ एच, क्या कर सकते हैं, ऐसे ले आएंगे इसको, इसको ऐसे ले आएंगे, इसको घुमा दो यहाँ पर। तो पॉइंट ये है, ये अपने पास प्लेन में चला जाएगा, ये प्लेन में चला जाएगा, ठीक है, प्लेन में जाकर इसको आर लिख दो यहाँ पर, ये इस तरफ जाएगा, यानी कि डैश पे एच होगा और वेज पे भी एच होगा, ऐसे कर सकते हैं ना। और इस तरफ है इस वाली कार्बन पे, इस वाली कार्बन पे बैक साइड पे एच है, फ्रंट साइड पे क्या है अपने पास, पैलेडियम है, और नीचे क्या है, प्लेन में अपने पास ये है, ऐसे हम दिखा सकते हैं इसको। तो यहाँ से पैलेडियम और ये एच निकल जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड दिखा देंगे तो उस हमें वही काम करना होता है, इसी तरह से दिखाना होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों एच लगे हुए, तो आप एक काम कर सकते हो, देखो एक तो मैं इसको ऐसे घुमाया, एक और काम कर सकते हैं, कौन सा, इसको इस तरफ ले जाओ, अगर आप इसको ऐसे रोटेट कर दो क्या बनेगा, यहाँ पे सिस बनेगा, देखो जो मेरे पास ये वाली रिंग थी, ये वाली रिंग और ये दोनों सिस बन रहे हैं आपस में, है ना। लेकिन अगर आपके पास चॉइस हो सिस और ट्रांस में से बनाएं, तो ट्रांस बनाना वहाँ पर, हमें काम कर सकते हैं, इसको उल्टा घुमाएंगे। इस बार मैंने इसको ऐसे रोटेट करवाया, और यहाँ पर गया, ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, क्योंकि पॉइंट ये था हमें एच यहाँ पर चाहिए, तुम इसको ऐसे चला सकते हो, एच चला गया डैश पे, ऐसे आर चला गया डैश पे, एच यहाँ पर आ गया और एच यहाँ पर आ गया। इस वाले केस में हम दिखाएंगे इसको ऐसे करके, बाकी सब कुछ सेम है, डैश पे एच है और ये वैच पे पैलेडियम है, यहाँ पर ये अपने पास ये, इसको हम निकाल देंगे, ऐसे लगाएंगे इस बार ट्रांस बन जाएगा वो, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रांस बनाएंगे इसको और अपना फाइनल प्रोडक्ट ऐसे बना सकते हैं, डबल बॉन्ड तो आना ही था, ऐसे करके ये, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ये ग्रुप जो भी लगा हुआ है, ऐसे।
तो ये बन जाएगा अपना फाइनल प्रोडक्ट। आपको सिर्फ डिसाइड करना होता है दोनों में से बोन को कैसे ब्रेक करवाना है, उसको मेटल दे दो और बाद में सिन करके ज्योमेट्री को निकाल दो वहाँ से। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जब भी जो इस ट्रांस में, तो ट्रांस ही बनाना, ठीक है? यहाँ पे सिस नहीं बनाना है, ट्रांस बनाना, क्योंकि ट्रांस भी हम बना सकते हैं ऐसे करके। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इसको पहले पहचानो कि मेरे पास ये वो कौन सी रिएक्शन है कपलिंग है। यहाँ पर आते हैं sp2 कार्बन लिविंग ग्रुप, एल्किन इस पर क्या लगा हुआ है मेरे पास, OET लगा हुआ है, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस m से देगा, पैलेडियम भी है। फर्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे दिखाएंगे, ये यहाँ पर जाएगा पैलेडियम, बाकी सब भूल जाते हैं। इसमें हमने इंसर्ट करना है, कैसे इंसर्ट करवाएंगे, इसको बताओ मैं ऐसे ब्रेक करूँ या फिर ऐसे ब्रेक करूँ। अगर ऐसे ब्रेक किया, इस पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव और ये पर क्या इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन तो स्टेबलाइज होंगे नहीं, तो ऐसे ब्रेक करने में फ़ायदा है। कौन सा ऐसे ब्रेक करेंगे, इधर आएगा नेगेटिव, आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव को ये स्टेबलाइज कर देगा प्लस एम देके। जैसे पॉजिटिव आएगा ये प्लस एम देके इलेक्ट्रॉन देके यहाँ से इसको स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है ना? तो ऐसे ब्रेक करेंगे। इस बार क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया है तो मेटल यहाँ पर आएगा और ये वाली कार्बन यहाँ पर जाएगी। तो कैसे दिखाएंगे इसको, OET यहाँ पर लगा हुआ है, इस पर हम लगाएंगे यहाँ पर पैलेडियम और इस पर लगाएंगे ये पास ये वाला ऐसे सिक्स मेंबर रिंग बनाओ ये, ठीक है? हमने इस तरह से दिखाया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बीटा एलिमिनेशन। नेक्स्ट स्टेप है बीटा एलिमिनेशन, पैलेडियम यहाँ पर है, एक एच भी यहाँ पर है, इसके पास दो एच है, इसी को निकालेगा, निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर दोनों एच हैं तो सिस और ट्रांस से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे वैसे निकाल सकते हैं इसको, ऐसे और ये ऐसे, तो ये डबल बॉन्ड बन गया बीच में, एक तरफ लगा हुआ है OET और एक तरफ लगा हुआ है ये वाला मेरे पास सिक्स मेंबर रिंग ऐसे ये, तो ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर हुआ इतना? अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ पर आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है नेट जून 2017 में, इसको स्टेप बाय स्टेप करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या अपने पास इंट्रा मोलिकुलर हैक कपलिंग, कैसे पता लगा? एक तो ये एल्कीन है, इस पर लगा हुआ है कोई भी लिविंग ग्रुप, sp2 कार्बन पे लिविंग ग्रुप, यहाँ पर देखो एल्कीन भी है पैलेडियम भी है, बस अपना काम हो गया, शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम दिखा सकते हैं इसको, यहाँ से लिविंग ग्रुप को हटाएंगे, पैलेडियम लगा देंगे, यहाँ पे आइडल लगा दो, लगा दें तो लिविंग ग्रुप लगा दिया और दो लगे उसके पास OAC, ऐसे होगा। नेक्स्ट स्टेप में अब देखो, इसको मैं ऐसे भी ब्रेक करवा सकती हूँ और ऐसे भी ब्रेक करवा सकती हूँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हमने ऐसे ब्रेक करवाया तो यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पे ये वाली कार्बन अटैक करके बॉन्ड बना लेगी डायरेक्टली, है ना? अगर हमने इसको ऐसे ब्रेक करवाया, अगर इसको हमने ऐसे ब्रेक करवाया, इस बार यहाँ पे पैलेडियम आएगा और कार्बन इस पे जाएगी, अगर इस वाली कार्बन के साथ बॉन्ड बना तो क्या होगा, ये ब्रिज कंपाउंड बन जाएगा। कैसे देखो, 1 2 3 4 5 6 सिक्स मेंबर रिंग बनेगी, कैसे कर सकते दिखा सकते हैं इसको, आप ऐसे दिखा सकते हैं इसको, बेसिकली इस तरह से आएगा ऐसे है और बीच में यहाँ पे भी कुछ सिक्स मेंबर रिंग बना के दिखा सकते हैं ऐसे करके, जितनी भी बनी मतलब बेसिकली ब्रिज कंपाउंड बन गया, ठीक है? तो ब्रिज कंपाउंड जो है वो स्टेबल नहीं होता है। अगर हमारे पास चॉइस होती है फ्यूज बनाने की, फ्यूज सिस्टम और ब्रिज बनाने की, तो फ्यूज्ड वाला जो अपने पास होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हम फ्यूज्ड बनाएंगे। और वैसे भी क्या बनेगी यहाँ पे, फाइव मेंबर रिंग और यहाँ पे अटैक होगी तो क्या करेंगे, सिक्स मेंबर रिंग बनेगी। जब भी हमारे पास फाइव और सिक्स में चॉइस होगी तो हम फाइव मेंबर रिंग बनाएंगे ना कि सिक्स। कौन सा रूल होता है ये होता है बॉल्डविन रूल। बॉल्डविन रूल के अकॉर्डिंग अगर चॉइस हो तो फाइव और सिक्स में तो फाइव बनेगी, अगर हमारे पास थ्री और फोर में चॉइस हो तो थ्री बनेगी, ठीक है? और अगर हमारे पास सिक्स या फिर हायर मेंबर रिंग जैसे मान लो 7 8 9 है तो फिर सिक्स बनेगी। ये होता है बॉल्डविन रूल। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस वाले बॉन्ड को हम दूसरी साइड ब्रेक करवाएंगे ऐसे करके, इधर जैसे ही पॉजिटिव आएगा इसका बॉन्ड बनेगा कार्बन के साथ, बनाते हैं। अच्छा उससे पहले एक और चीज़, हमने खुद से मान लेते क्योंकि इसमें क्या था स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है, हम एक काम कर सकते हैं, इसको हमने मान लिया कि वैच पे होगा, अपनी मर्जी से कि ये वैच पे होगा और ये डैश पे होगा, फिर ये वाला बॉन्ड डैश पे होगा। एक चीज़ देखो, अगर ये डैश पर है तो यही वाला बॉन्ड क्या करें, यहाँ पर जाके इसका रिंग बना रहे, तो जब ये डैश पे तो डैश पे ही बनेगी रिंग भी ना, तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, क्योंकि इस वाले पूरे बॉन्ड क्या करना है, घूम के इसके बाद बॉन्ड बनाना है यहाँ पर, तो पूरे अपने पास क्या है पूरा साइक्लिक चेन, जो अपने पास ए साइक्लिक चेन है वो पूरी घूमने वाली है, यहाँ से बॉन्ड बनाएगी ऐसे करके फाइव मेंबर रिंग, ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं। वैच पे क्या है अपने पास, ये CH3 फाइव मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है और ये ऐसे है,
इस पे लगा हुआ है CH3, इतना सही है। अगर ये नीचे से नीचे की तरफ है ना, ऐसे मान लो ये आपके पास ऐसे कुछ रिंग लगा रखी है, एक वेज पे एक डैश पे, तो डैश पे घूम के डैश पे ही बन गया। इस तरह से हमने दिखाया यहाँ पर, क्योंकि अब ये डैश पर है तो ये भी डैश पे इंसर्ट होगा, ऐसे हमने दिखा दिया। ठीक है, बस अभी काम खत्म ही हो गया समझो। यहाँ पे एक एच था तो वो वेज पे जाएगा खुद से, ऑटोमेटिकली वेज पे चला गया ऐसे। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट टाइम क्या करना है। तो ये हमारे पास बन गया इंटरमीडिएट ए, ये है इंटरमीडिएट ए। इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे ना नेट जून 2017 में, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन था, ऑप्शन ए, जिसमें हमारे पास ये वाला बन रहा था। मतलब बेसिकली क्या करना है आपको, इनकी स्टीरियो में ध्यान से देखें कि जिस भी स्टीरियो से ये वाला आएगा अपने पास पैलेडियम, उसी स्टीरियो पे ये वाली रिंग भी होगी, है ना। तो इसके ऑपोजिट होगा ये वाला एच, तो इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री ऑपोजिट है। ये अपने पास ए बन गया। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हमें करवानी है बीटा एलिमिनेशन, हमें करवानी है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन के लिए मेटल और एच क्या होने चाहिए, दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए। ओके, अब ये तो अल्फा अपने पास है ही, अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन। बीटा पे एच तो है लेकिन वो वेज पे, हमें डैश पे चाहिए, तो यहाँ पे डैश पे भी होगा और एक वेज पे होगा, तो निकाल लेगा इसको ये, क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर। इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, यहाँ पे बनी हुई है फाइव मेंबर रिंग ऐसे करके, और ये वेज पे है CH3, वेज पे CH3, यहाँ पे वेज पे एच ये, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये, तो ये बन जाएगा अपना फाइनल प्रोडक्ट, ये बी, ये रहेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पर आओ। ये वाला क्वेश्चन देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखो इसको। ये पूछा गया है नेट दिसंबर 2018 में, खुद से ट्राई करो फिर हम करते हैं इसको सॉल्व। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, पहले पहचानते हैं रिएक्शन को। यहां पर अपने पास ये एल्कीन एक है, एल्कीन यहां पर है अपने पास, ये वाला पार्ट sp2 कार्बन लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप ये रहा पैलेडियम, बस हो गया काम, है रिएक्शन है, करवा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में इसको हटाएंगे, यहां से लगाएंगे हमें पैलेडियम, बाकी ग्रुप जो भी लगे हुए लगा दो, उसके बाद दो लगे हुए थे, एक अपने पास आयोडीन हो गया, इतना सही है। इसके बाद ना यहां पर होना इंसर्शन, पॉइंट ये है कैसे ब्रेक करवाना है इसको, देखो क्योंकि इसके पास लोन पेयर हैं तो ऐसे ब्रेक करवाने में फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पॉजिटिव आएगा उसको ये लोन पेयर स्टेबलाइज कर देंगे, है ना, तो ऐसे ब्रेक करवाने में ज़्यादा फ़ायदा है, ऐसे करवाते हैं। इसको हमने ब्रेक करवाया इस तरह से करके, मैं इसको डाली ऊपर से, ये है। तो जब ये नेगेटिव जाएगा ऊपर की तरफ, यहाँ पर आएगा पैलेडियम, आएगा यहाँ पर आएगा पैलेडियम, और यहाँ पर आएगा अपने पास ये पूरा नेप्थेलिन रिंग, इस तरह से दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। अब ना एक चीज़ देखो, अगर मैंने इसको वेज पे लगाया सपोज, तो ये भी वेज पे होगा, अब जो एच होगा आपके क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो डैश पे चला जाएगा। हमें वेज वाला एच चाहिए ना, बीटा एलिमिनेशन के लिए हमें वेज वाला एच चाहिए, तो यहाँ पे ये डैश पे लगाओ एच, एक वेज पे भी होगा, तो अब ये यहाँ से निकालने में कहाँ से निकालेगा, ऊपर से निकालेगा, है ना, तो इसको निकाल दो यहाँ से डायरेक्टली, बना दो बॉन्ड, तो ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है ना। सबसे पहली बात तो ये कि ये इंसर्ट कहाँ पर होना है, इंसर्ट होगा यहाँ पे, इस पर लगने वाली नेफ्थाइल पूरी जो रिंग अपने पास है यहाँ पे लगेगी, ऐसा ऑप्शन ये वाला है, ये वाला भी है, ये तो नहीं है। इसका मतलब तो हो गया हमने बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाया होगा, उसमें नेगेटिव आया होगा, नेगेटिव साथ पैलेडियम लगा होगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, है ना। यहाँ पर आते हैं, अब ये तो ठीक है, ये वाला पॉइंट तो कॉमन है, डबल बॉन्ड कहाँ पर लगे आप खुद देखो, डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि आप जो एच होगा वो डैश पर होगा, और हमारे पास पैलेडियम क्या है, वेज पे होगा, मतलब जो भी अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री के होंगे, तो ये नहीं हो सकता, ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर, इतना ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन पूछा गया है गेट 2016 में। देखो इसको हम ना एक लाइन में सॉल्व करवा सकते हैं, कैसे, पहले तो मैं पहचान लूँ कि हमारे पास ये हैक रिएक्शन ही है, हैक कपलिंग ही है। देखो देखने से कन्फ्यूजन हो सकती है, हमें यहाँ पे सिर्फ एल्कीन दिख रहा है और हमें पैलेडियम भी दिख रहा है, इस बात इसको देखो ध्यान से, ये क्या है, PHBr, क्या होता है, बेंजीन है, उस पर लगा हुआ BR ग्रुप, तो वही तो है, ये अपने पास sp2 कार्बन है, ये लिविंग ग्रुप है, मिल तो गए, ये मिल गया, एल्कीन भी है, ये भी है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में इसको ब्रेक करवाएंगे, यहाँ से पैलेडियम लगाएंगे, यहाँ पर लगा दिया, अभी करवाने इसको यहाँ पे ऐड, माइग्रेटरी इंसर्शन डायरेक्टली वहाँ पे करवा रहे हैं, तो इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवा सकते हैं, यहाँ पे लोन पेयर है ना, यहाँ पर ऐसे,
तो ये पॉजिटिव को स्टेबलाइज करेगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव गया तो पैलिडियम यहाँ पर आएगा और पॉजिटिव आएगी मेरे पास फिनाइल रिंग, है ना। इसको हमने हटाया, यहाँ पर लगा दिया हमने पैलिडियम, सपोज वेज पे आया होगा, सपोज, है ना। तो वेज पे अपने पास ये फिनाइल रिंग भी आ गई होगी, पेच लिख देते हैं, और ये अपने आप से क्या होगा, डैश पे चला जाएगा। इस तरह से है। अब हमें ये पता है इसने इसको एच चाहिए, एच तो यहाँ पर है ही नहीं, सी एच थ्री है, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ से निकाल सकता है, ये एच है वेज पे और ये डैश पर है, तो यहीं से निकाल पाएगा। सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्या है, अपने पास फिनाइल और सी एच थ्री सेम कार्बन, इसलिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहाँ से करेगा, ऊपर से निकालेगा एच, डबल बॉन्ड लगा देगा यहाँ पर, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो सही है ना, हमें सिर्फ ये देखना था कि बॉन्ड को ब्रेक कैसे करवाएंगे। अगर यहाँ पे होता इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो माइनस एम से या फिर माइनस आई से उसको स्टेबलाइज करवाता, तो बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवा के पैलेडियम को यहाँ पर लगाते। अब क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस एम लगा सकता है, प्लस एम की वजह से क्या करेंगे, इसको हमने बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाया बस, इसलिए बी जो अपने पास वो फाइनल आंसर है। अब देखेंगे रिसेंट क्वेश्चन गेट 19 का, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो अगर सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन है कौन सी, पैलेडियम जैसे दिखेगा ना, समझ आना रिएक्शन हो सकती है हैक कपलिंग, फिर ढूंढना स्टार्ट करना। ये है sp2 कार्बन, इस पे लगा हुआ है लिविंग ग्रुप, तो एक तो काम चल गया अपना, दूसरा देखो कि आपके पास एल्कीन है, कौन से इंट्रा मोलिकुलर हैक कपलिंग है, है ना। अब ना इसको अगर हम ऐसे ही देखते रहे तो रिएक्शन नहीं करवा पाएंगे, कैसे करना पड़ेगा। ये क्या है अपने पास सिंगल बॉन्ड, ये है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होती है, है ना, हम सिंगल बॉन्ड के अराउंड घुमा सकते हैं ना बॉन्ड को, घुमा दो इसको, घुमाने के बाद से लिखेंगे ताकि जो रिएक्शन साइड्स है वो पास पास आए थोड़ी सी, इसको घुमा रहे हैं। तो अभी आया है अपने पास, ये तो सेम ही रहने वाला है, ऐसे है, इस बॉन्ड के अराउंड घुमा दो इसको पूरा ऐसे करके। अभी क्या ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर, इसको पूरा घुमा दो, क्या होगा, रहेगी तो सिक्स मेंबर रिंग ही, ऐसे इसको ऐसे ही, इसको ऐसे कर दो, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, इस पर लगा हुआ है सी एच टू सी एन, सी एच टू सी एन, ये बताओ कोई डिफरेंस, कोई डिफरेंस है यहाँ पर, नहीं ना, मैंने सिर्फ सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करवाई है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो रोटेशन नहीं होती, फिर सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होती, मैंने रोटेशन करवा दी, इतना सही है। अब स्टार्ट करते हैं अपना काम, सबसे पहले पैलेडियम को इंसर्ट करवाएंगे यहाँ पर, मतलब ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाएंगे उसका, यहाँ पे आगे लगा देते हैं पैलेडियम, ये लग गया पैलेडियम, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हमें करवाना है बॉन्ड को ब्रेक, है ना, हमें करवाना है बॉन्ड को ब्रेक, कैसे करवा सकते हैं, ध्यान से देखो, ऑप्शन इतने ईजी आए हुए थे, सब में फाइव मेंबर रिंग ही बनी थी, वैसे भी देख सकते हो। बॉन्ड को ब्रेक करने से पहले ऐसे समझो, ये वाली कार्बन है, इसने बॉन्ड बनाना है, अगर इसने इस वाली कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो क्या होगा, फ्यूज सिस्टम बनेगा, फ्यूज सिस्टम होता है जिसमें एक जो बॉन्ड होता है दो रिंग्स में शेयर होता है, उसको बोलते हैं फ्यूज सिस्टम। ब्रिज कौन सा होता है, जब ऐसे करके बीच में ब्रिजिंग वाला कंपाउंड इससे बन जाएगा, ब्रिजिंग वाला अपने पास ये आ जाएगा कार्बन, ये क्या है, ब्रिजिंग कार्बन जाएगा, फिर मतलब दो ब्रिजिंग कार्बन को ये एक तरह से ब्रिज बना रहे हैं वहाँ पर। तो इसको हम बनाएंगे नहीं सिक्स मेंबर, हम तो जाना है फाइव मेंबर चाहिए हमें, तो फाइव की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है सिक्स से अकॉर्डिंग टू बॉल्डविन रूल, तो इसको हम ऐसे ब्रेक करवाएंगे, ठीक है। और जो पैलेडियम यहाँ पर जाएगा इसके पास अलग जाएगा अपने पास ये, और बनेंगे फाइव मेंबर रिंग, बनाओ, पहले हमने बनाई फाइव मेंबर रिंग ऐसे करके, इस पर लगा हुआ नाइट्रोजन, यहाँ लगा हुआ है टी एस, इस वाले रूल को ध्यान रखना, फाइव की प्रेफरेंस ज़्यादा है सिक्स मेंबर रिंग से, हमने ऐसे बनाया। इस पर लगा हुआ है सी एच टू सी एन, है ना, पैलेडियम लगेगा यहाँ पर, हम लगा दें पैलेडियम, ये है अभी, ठीक है। अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री का ध्यान ना भी रखें तो भी अपने पास, अगर ये अल्फा कार्बन है, अगर ये अल्फा तो बीटा की होगी, और ये भी बीटा कार्बन है, इस वाले बीटा कार्बन पे कोई भी एच नहीं है, तो स्टीरियो से वैसे ही कुछ फर्क नहीं पड़ना, यहाँ से निकाल सकते हैं हम डायरेक्टली, है ना, इस बार दो एच होंगे ना, एक एच को निकाल लेगा ये, जो भी इसके प्लेन का होगा उसको निकालेगा, निकालने के बाद क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, हमने इसको हटा के यहाँ से डबल बॉन्ड बना दिया, ये तो ये बन गया अपने पास ए, सॉरी पी, ये बन गया प्रोडक्ट पी, ठीक है। इतना यहाँ तो पहुँच गया, आगे देखते हैं, यह एल आई ए एल एच फोर क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस करके सी एन को क्या बना देगा, सी एन को रिड्यूस करता है अमीन में, सी एच टू एन एच टू में, सी एच टू एन एच टू में ऐसे रिड्यूस कर देगा इसको, हमने अगर इसको लिख दिया सी एच टू एन एच टू, इसका काम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, कैसे लिखा सकते, कैसे लिख सकते हैं उसको, ऐसे लिखा सकते हैं सी एच थ्री सी ओ ओ सी ओ सी एच थ्री, ऐसे है। तो पॉइंट ये है, क्या करेगा ये यहाँ पर,
ये करने आया क्या, एसिटाइलेशन. कैसे हो सकता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं, है ना. ओके, ये यहाँ पे अटैक करेगा इसके ऊपर. एक और चीज़, इस वाले नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर हैं, इसने क्यों नहीं अटैक करा, इसने अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके जो लोन पेयर्स यहाँ पर हैं वो टोसाइल वाली बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये वाले अवेलेबल नहीं है डीलोकलाइज, मतलब ये वाले अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए, ये ऑलरेडी क्या है डीलोकलाइज है, ये वाले क्या है लोकलाइज है, इसलिए अटैक करेंगे यहाँ पर. तो फर्स्ट स्टेप में इसे अटैक किया, ये बॉन्ड खुल गया यहाँ पर ऐसे करके, मैं डायरेक्ट दिखाती हूँ, ये बनेगा ओ माइनस. नेक्स्ट स्टेप में इसको हम निकाल सकते हैं, इसको वापस ला सकते हैं, तो ऐसे करके ये बन जाएगा. इधर तो बेंजीन रिंग है ऐसे, इधर ये फाइव मेंबर रिंग भी रहेगी टी एस, और यहाँ पर है ये सिक्स मेंबर रिंग इस तरह से, डबल बॉन्ड भी इसके ऊपर है सी एच टू, एक और सी एच टू, और यहाँ पे एन के पास लग जाएगा ये सी ओ सी एच थ्री, इस तरह से करके हम ऐसे दिखा सकते हो क्या हो गया अपने पास एक एच. एक काम और भी कर सकते हो, अलग अलग दिखाओ इसको, प्लस नेक्स्ट में निकाल देना इसको, यह तो अपने पास 83N बेस है ना, एच प्लस निकाल सकता है आराम से, इसको मैंने हटाया और ये बन जाएगा अपना फाइनल प्रोडक्ट. ये रहेगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है, ईजी है. ओके, अब बारी आती है आपके होमवर्क की. हमने इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, ये वाला होमवर्क आप खुद से कंप्लीट करेंगे. ध्यान रखना जो प्रोडक्ट बताओगे उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी आपको बतानी है, ठीक है. ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, खुद से सॉल्व कर लोगे, स्टेप बाय स्टेप जाना, इसका ध्यान रखना. ये बेस ऐड किया गया है, कुछ ना कुछ तो करवाएगा, है ना, ध्यान रखना. दो अलग अलग चीज़ें हैं, ट्राई करना, आप खुद से सॉल्व करवा सकते हो. तो यहाँ पर मैं वीडियो को स्टॉप कर रही हूँ, नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेंगे, सब सॉल्यूशन देखेंगे और कोई नया टॉपिक भी देखेंगे. हैप्पी लर्निंग.